हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो शाहरुख खान की अपकमिंग मूवीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। तो क्या है न्यूज, चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से लाइक कीजिए। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे, मेरे पुराने वीडियोस पर कमेंट कर रहे कि तूने ही तो कहा कि 1 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, तूने ही तो कहा था कि 1 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे शाहरुख खान, अब क्या हुआ, अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग कितने सेकंड तक मेरे वीडियो को देखते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड तक मेरे वीडियोज़ को देखते हो। मैं कितना बड़ा वीडियो बनाता हूँ, 3 मिनट 4 मिनट नहीं ना, मैं 2 ढाई मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट तक मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग 15-20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक देख के वीडियो को छोड़ के चले जाते। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनाउंसमेंट को लेकर मैंने जितने भी वीडियोस बनाया है, उनमें से एक चीज मैंने हमेशा कहा है कि न्यूज यही है कि 5 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है, बट कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि 5 जनवरी को ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। ये बात मैंने हर एक अनाउंसमेंट को लेकर जो वीडियो बनाया है, हर एक वीडियो में कहा है, बट आप लोग 15-20 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक वीडियो देखते हो, उसके बाद चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं, जो लोग वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, भाई आप लोग वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना, जो भी नया वीडियो आता है लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हमेशा फुल्ली एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तो आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप लोग के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। और जो लोग मेरे वीडियोज को लास्ट तक देखते हो, तो उन लोगों को थैंक्स कि मेरे वीडियोज को आप लोग लास्ट तक देखते हो। तो फ्रेंड्स, क्या है न्यूज जो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एटली कुमार एक्शन मसाला, राजन डीके कॉमिक एक्शन थ्रिलर, राजकुमार हिरानी नेक्स्ट डायरेक्शनल एंड अली अब्बास जफर YRF स्पेशल फिल्म ऑल लाइक्ड ओके बट नन साइंड येट एन अपडेट ऑन शाहरुख खान नेक्स्ट। तो फ्रेंड, न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि एटली कुमार की मूवी, राजन डीके के साथ फिल्म, राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म, अली अब्बास जफर के साथ फिल्म, जो यशराज फिल्म्स डायरेक्ट करने वाला है, सारे फिल्म के स्क्रिप्ट को शाहरुख खान को पसंद आया है, बट शाहरुख खान ने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं किया। जी हाँ, एक बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि सारे स्क्रिप्ट को शाहरुख खान को पसंद आए, बट शाहरुख खान ने अभी भी कोई भी फिल्म साइन नहीं किया, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें रूमर्स है, तो एक रूमर्स ही मान के चलेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए।